हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाउ टू इंस्टॉल द लेटेक्स के बारे में देखने वाले हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को लेटेक्स इंस्टॉल होने करने में प्रॉब्लम आता है, तो उसे इंस्टॉल कैसे किया जाए इसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लेटेक्स को इंस्टॉल करने के लिए पहले जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी एंटीवायरस होगा उसको पहले हमें स्टॉप करना पड़ेगा, और एंटीवायरस स्टॉप करने के बाद जो है उसे डिसेबल कीजिए। देन उसके बाद विंडोज़ के अंदर एक फायरवॉल होता है, फायरवॉल सर्च विंडो में देखिए, फायरवॉल यहाँ पे दिया फायर। देन पहले चेक कीजिए फायरवॉल ऑन है या ऑफ है, इसका ऑफ है तो टर्न, इसको अगर ऑन है तो यहाँ से ऑन किया जाता है और यहाँ से ऑफ किया जाता है, तो इसको ऑफ करना है, ओके करना है। तो इस तरह से ये एंटीवायरस और फायरवॉल दोनों ऑफ कर दिए। देन डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है SSBT LateX CD नाम से, इसमें एक फोल्डर और है सॉफ्टवेयर, इसमें से अब यहाँ पे हमें फर्स्ट इंस्टॉल जो करना है वो बेसिक मेकटेक इंस्टॉल करना है। तो उसमें से यहाँ पे दो वर्जन है, उसमें से कोई भी एक वर्जन आप चूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से चूज़ करने के बाद ये इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली इस तरह से ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये प्रोसेस 100% कम्प्लीट जब तक होगी तब तक ये इंस्टॉल हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल हो ही रहा है, ओवरऑल प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, उसमें से सम परसेंट ही उसका बाकी है। तो इसके बाद ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे, क्लोज नेक्स्ट एंड क्लोज। क्लोज़ करने के बाद अब एडिट जो है ये भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब आपका रिक्वायरमेंट 32 GB 32 बिट्स का है तो 32 बिट्स कीजिए, या 64 बिट्स का है तो 64 बिट्स का कीजिए। मैं 32 बिट्स का कर रहा हूँ, यानी विंडोज़ का जो वर्जन होता है 32 और 64 उस पर वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट 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 इसे इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिनिश। देन उसके बाद अगर आपके लैपटॉप में एक्रोबेट रीडर नहीं है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, एक्रोबेट रीडर्स का भी एक सी के साथ दिया हुआ है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, या एडोब रीडर के साइट पे ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो ही जाएगा। तो इस लैपटॉप में जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको मैं इंस्टॉल करके नहीं बताऊँ, इट्स अ कॉमन सॉफ्टवेयर। देन हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे, और फिर उसके बाद अब विन एडिट यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्राम में जो हमने अभी पहले इंस्टॉल किया था। अब इसमें जो मेन पार्ट है यहाँ से हमें मेपटेक मीन्स टेक्स में जाके मेपटेक और मेपटेक पैकेज पे हमें ये रिपोजिटरी में पैकेजेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो लेटेक्स रन करने के लिए करना पड़ता है। तो चेंज ऑप्शन सेलेक्ट फ्रॉम द डिरेक्टरी ब्राउज मीन्स हमने जो डेस्कटॉप पर फोल्डर लिया है SSBT LateX में ही वो सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में ये मेपटेक्स पैकेज नाम का फोल्डर यहाँ पर है, तो जस्ट वो फोल्डर का पाथ प्रोवाइड कर दे और फिनिश कर दे। ये सिंक्रोनाइजेशन होगा,
इस तरह से विद इन 1 or 2 मिनट्स में ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ये सिंक्रोनाइज हो चुका है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब हम जो हमारे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट अवेलेबल है सॉफ्टवेयर फोल्डर में ही, उसी फोल्डर में डेस्कटॉप, देन SSBT LaTeX CD, देन UG रिपोर्ट में जो टेक्स्ट थेसिस नाम का टेक्स्ट फाइल है एप्लीकेशंस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, उसको ओपन करेंगे ओपन। और इसमें से सिर्फ हमें PDF LaTeX इसे सेलेक्ट करना है, एल पे क्लिक करना है, उसके बाद ये स्क्रिप्ट रन होगी। अब अगर कोई पैकेजेस का उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो इंस्टॉल करने के लिए मांगेगा, ऐसे 1 or 2 स्क्रिप्ट रन करने पर ही पूछता है, बाद में वो सारे पैकेजेस उसको मिलने के बाद वो ये इंस्टॉलेशन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर हमें 0 एरर के साथ मिलता है। अब यहाँ पर PDF ओपन करके देखेंगे, जस्ट PDF प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया। अब मेरे PC में यहाँ पर WPS ऑलरेडी इंस्टॉल है तो PDF उसी में ओपन होगी, तो ये कंप्लीट इंस्टॉल हुआ, PDF क्रिएट हुआ, PDF वो ओपन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।